हे पुरीज, आज हम बनाएंगे तहरी। ये एक बहुत स्पेशल डिश है। आप ये देखो कितना ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस दिख रहा है। तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या मसाले लेने हैं पहले वो देख लेते हैं। हमने यहाँ लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, गरम मसाला लिया है, लाल मिर्च लिया है, जीरा लिया हुआ है, हल्दी लिया है, लाल मिर्च पाउडर लेना है, गरम मसाले लेने हैं, सोयाबीन लेना है। इसके साथ ही टमाटर और प्याज को भी कट करके रख लिया है। आपको और भी जो वेजिटेबल इसमें डालने हो आप डाल सकते हो, उसकी कोई ये नहीं है। आप अपने मनपसंद चीज़ गोभी, आलू, बीन्स, जो भी आपको डालने हो वो आप इस तहरी में डाल सकते हैं। अभी हम सबसे पहले सोयाबीन को फ्राई करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है ये। तेल गरम हो चुका है। सोयाबीन को आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये ज़्यादा फ्राई होने पे इसका टेस्ट बिगड़ जाता है और ये हार्ड हो जाते हैं। तो इसको आप हल्का ही फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट जितना फ्राई करना है, और इसको चलाते हुए फ्राई करें, नहीं तो सोयाबीन एक साइड से पूरा लाल हो जाएगा और दूसरे साइड से वो फ्राई होगा ही नहीं। तो बस इसको इसी तरह से फ्राई करना है। सारा तेल सोयाबीन ने पी लिया है बहुत अच्छे से, बस आप इसे फ्राई करें। थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें नमक डालना है, हल्का सा नमक डालेंगे बस। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, कुछ सेकेंड्स और फ्राई करने होंगे इसको। देखिए हमारा सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं जला जला दिख रहा है, एकदम अच्छा फ्राई लग रहा है ना। ये देखिए ये अच्छा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको फटाफट से अपने दूसरे वेसल्स में डालेंगे। यहाँ मैंने कुकर रखा था, उसी में मैं इसको डालूँगी। इसी कुकर में हमें लास्ट में सारे चीज़ें डाल के फिर चावल पकाना है, तो इसीलिए इसी में मैं डाल रही हूँ डायरेक्टली। तो सारे सोयाबीन को आप इसी में प्लेस कर दें, और वो मैंने गैस उसका फ्लेम ऑन नहीं किया है, तो आप ये ना सोचें कि उसका फ्लेम ऑन है, वो बस मैंने ऐसे ही रख लिया था। यहाँ फिर से कढ़ाई में तेल डालेंगे। इसमें जाएगा अब जीरा, तेज पत्ता और लाल मिर्च, साथ में गरम मसाले जो हमने रखे थे फ़ौरन के लिए उसको भी डाल देंगे। इसको हल्का सा चटकने दें, और यहाँ आप फ्लेम थोड़ा कम कर लेना। मैंने फ्लेम कम नहीं किया था, बट आप यहाँ थोड़ा फ्लेम कम कर लेना। उसके बाद फिर जैसे ही आप प्याज टमाटर इसमें डाल दोगे, फिर आप फ्लेम हाई कर लेना। प्याज को भी आपको मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना है, क्योंकि प्याज कम है और ये जल भी सकता है। इसमें आपको प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन जो है वो चला जाए इसके अंदर से, बस उतनी देर के लिए फ्राई करना है इसको। बस थोड़ा देर और फ्राई करेंगे इसको। बिल्कुल अब ये एकदम सही फ्राई हो चुका है। ये देखिए आप देख सकते हैं ज़्यादा ब्राउन भी नहीं है, लाइट ब्राउन, एकदम लाइट ब्राउन कलर है ये। इसी स्टेप पे हम डालेंगे टमाटर, और आप बाकी की जो भी सब्ज़ी आपको यूज़ करनी है तो आप यहीं पे डाल सकते हैं। आप बीन्स यूज़ करें, गोभी यूज़ करें, जो भी आपको यूज़ करना है। और यहाँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जैसे टमाटर जाएगा उसके तुरंत बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। नमक डालने से क्या होता है ना कि टमाटर बहुत अच्छे से
उसमें मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए आप कोई भी रेसिपी बनाएं, जब भी टमाटर डालें टमाटर के साथ ही उसमें नमक डालें। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट तैयार रखा था ना, वो पेस्ट और बाकी सारे मसाले भी इसमें डालेंगे। लेकिन पहले यहाँ मुझे तो थोड़ा और नमक का ज़रूरत लगा है। इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए अब फटाफट से इसमें मसाला डालने के लिए इसको रेडी कर लेते हैं। इसको मैं मैश कर रही हूँ ताकि जब मैं मसाला इसमें डालूँ तो वो अच्छे से मिक्स हो सके। ये ठीक हो गया है। अब इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट और बाकी सारे मसाले। बस अब इनको फटाफट फ्राई करना है। आपको अगर इस रेसिपी में पनीर यूज़ करना हो तो जिस तरह से हमने सोयाबीन फ्राई करके रखा है पनीर या फिर गोभी, तो वैसे टाइप के जो भी आप वेजिटेबल लोगे उसको आप पहले ही तेल में फ्राई करके निकाल लेना, जैसे हमने सोयाबीन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही सेम करेंगे गोभी के साथ भी और पनीर के साथ भी। बाकी अगर आप इसमें शिमला मिर्च डालना चाहते हो तो वो सब आप प्याज टमाटर जब डालते हैं उस टाइम पे फ्राई कर सकते हो। बस आपको मसाले को फ्राई करते रहना है अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपका नहीं है मसाला, क्योंकि मैं कंटिन्यू इसे चला रही थी। अब इसको भी फटाफट से हम उसी कुकर में डाल लेंगे। मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ, कुकर का फ्लेम ऑन नहीं है, वो बस मैंने ऐसे ही साइड में रखा है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। ये चावल मैंने धो के और भिंगो के रख दिया था 20 मिनट के लिए। ये मैंने अपने घर में, जो मेरे घर में रेगुलर चावल बनता है ना, वही यूज़ किया है। आप जो भी चावल चाहें यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशल चावल ही यूज़ करना है। इसको आप फ्राई कर लेंगे। एकदम अच्छे से फ्राई करना है आपको। बस एक बात का ख्याल रखिए कि इसके जो दाने हैं ना वो टूटे ना, तो आप बिल्कुल आराम से इसको नीचे से इस तरीके से करते हुए फ्राई करेंगे। और मैंने यहाँ कढ़ाई नहीं धोया था क्योंकि ये उसी मसाले में इसको भिजाना है तो थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा चावल का। तो आप देख सकते हैं जो भी मसाले का कलर था वो भी धीरे धीरे चावल ले ले रहा है। ये देखिए बिल्कुल एकदम मसाले के साथ मिक्स हो चुका है ये। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कढ़ाई जला नहीं था इसलिए उसी में मैंने चावल फ्राई किया है। अब चावल भी फ्राई हो चुका है, इसको भी फटाफट डाल लेते हैं। और फ्लेम ऑफ करके ही डालना आप, नहीं तो जो नीचे चावल होंगे ना वो जल जाएंगे। फिर अब इसको सारे मसाले के साथ हम करेंगे मिक्स और फिर डालेंगे यहाँ पे पानी। पानी डालने का मैं आपको एक दो सीक्रेट तरीके बताती हूँ। एक, आप तो ग्लास से मेज़र करो चावल, जितना चावल हो उसका 1.5 गुना पानी यूज़ करो आप। या फिर अगर आपने मेज़र नहीं किया है तो फिर आप पानी डालो और अपनी उंगली को ऐसे कुकर में डुबो के चेक कर लो, आपका जो फर्स्ट कट होता है ना फिंगर का, पानी चावल से उतना ऊपर होना चाहिए, तो आपका चावल बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया था, बट यहाँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे कुकर का ढक्कन जो ढीला हो गया था, तो मैंने उसे तो चेंज किया फिर वापस चढ़ाया। इसमें आपको 2-3 सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 सीटी काफ़ी है। ऐसे हो और 1 सीटी आए फिर आप फ्लेम करेंगे ऑफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए ये तहरी बिल्कुल खिला खिला तहरी बन के तैयार है। इसमें आप जितने वेजिटेबल्स डालोगे ना, ये उतना ज़्यादा और टेस्टी लगेगा आपको। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने तो सोयाबीन ही यूज़ किया है इसमें, और प्याज और टमाटर। आप गोभी डाल सकते हो इसमें। तो गाइज, आप ट्राई करो इसे और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। बाय बाय फूडीज़।